are doing well, and if you are new to my channel, my name is Monica and I would be really happy if you subscribe to my channel. So welcome back to my another video of my birthday series, and today, as you already read by the title, today I'm going to show you some stuff which I got for me from Shastri Market 22 sector Chandigarh, and everything is thrifted. मैंने कोई भी मतलब महंगा सामान नहीं लिया है, किसी शॉप पे जाके नहीं लिया है, मतलब जो सेल लगी होती है 250 रुपीस वाली, वहाँ से मैंने लिया है. एंड मैंने कुछ नाइट्रा से भी ऑर्डर किया था अपने लिए मेकअप का सामान, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो सब मैंने मंगाया था, तो मैंने सोचा अपने बर्थडे के लिए मंगा लेती हूँ. एंड येस, तो मैं आज मेकअप एंड कपड़ों का हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले इस हैट के बारे में बात करते हैं. दिस इज सच अ क्यूट हैट, मतलब इससे बहुत ही विंटेज वाइब्स आ रही है. एंड ये 200 रुपीज़ की थी, मुझे बहुत टाइम से ये वाली हैट लेनी थी. आई थिंक इसको काउबॉय हैट बोलते हैं, और आई डोंट नो, मुझे नेम्स याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, बट आई जस्ट लव दिस हैट. मुझे बहुत काम आई गई है, मैं इसको बहुत स्टाइल करने वाली हूँ. एंड आई जस्ट लव दिस हैट. गर्म भी है ये, एंड बहुत टाइम से मुझे चाहिए थी. एंड शेन पे होती थी ऐसी, और बाकी कहीं पे देखो तो महंगी होती थी, बट फाइनली आई गॉट दिस फॉर रुपीज़ 200 रुपीज़. मेरे को ये लेनी नहीं थी, मैं इस उससे नहीं रही थी कि ये मुझे मिलेगी. अचानक से ना वो जो सामान ऐसे पड़ा होता है मंजे पे, उस पर पड़ी हुई थी, तो मेरी जैसी नज़र पड़ी बस मैं भागी एंड मैंने ये ले ली. तो आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज़. एंड डू लेट मी नो आप लोगों को ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है. नेक्स्ट आई गॉट दिस टॉप. दिस इज़ वुलन टॉप, एंड कैन यू सी दैट डिटेलिंग. आई जस्ट लव दिस डिटेलिंग गाइस. यहाँ पर गले पे भी है एंड यहाँ पर भी है. आई जस्ट लव दिस, मतलब ये वॉर्म है. एंड ये 200 रुपीज़ का था, एंड इसको मैं बहुत वेज में स्टाइल कर सकता. गाइस मैं ना बेसिक चीज़ें खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बेसिक हमारे बहुत काम आते हैं, इनको हम बहुत वेज में स्टाइल कर सकते हैं. एंड ये मेरे बहुत काम आने वाली है. थोड़ा पार्टी वियर के लिए भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज ये शाइनिंग शाइनिंग से इसका जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छी डिटेलिंग लग रही है. मुझे जस्ट लव दिस. एंड नेक्स्ट मैंने सेम ही भैया से, मैंने वाइट कलर में भी लिया था ये. ये सिंपल, इसके ऊपर कुछ ऐसी डिटेलिंग नहीं है, बट ये भी बहुत गर्म है एंड आई कैन स्टाइल इट इन डिफरेंट वेज. तो अभी मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं बर्थडे पे क्या पहनूँगी. मैं सोच रही हूँ बर्थडे पे इनमें से कुछ ना कुछ स्टाइल कर लूँ, तो वेट फॉर इट. तो देखते हैं बर्थडे पे मैं क्या पहनूंगी, एंड वो तो आपको पता चल ही जाएगा. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो यस, तो ये भी मैंने 200 रुपीज़ का लिया था. ये दोनों मुझे 200 रुपीज़ के मिलते, 400 में मैंने एक ही दुकान से ले लिया था. भैया ने बार्गेनिंग नहीं करी, लाइक मैंने उनको मनाया कि भैया दोनों चीज़ें 300 रुपीज़ में दे दो, बट वो नहीं माने. बट एट दी एंड मैंने ले ही लिया यार, क्योंकि मिलने वाला तो था नहीं और कहीं पे, और अंदर शॉप्स में जाओ तो वहाँ बहुत महंगा महंगा होता है, 500 500 400 ऐसे ऐसे टॉप्स. नेक्स्ट आई गॉट दिस क्यूट जैकेट. I just love this, you know guys, purple color आजकल कितना trendy है. And वो तो मैंने लेना ही था, because पता नहीं मुझे purple से अलग ही प्यार हो गया है. तो this is the jacket, and please guys guess करो कितने की होगी. कर लिया guess. This is for 200 rupees. अगर आप ये कहीं बाहर जाके मतलब किसी शोरूम वगैरह से लो, तो यही जैकेट आपको 1000 1500 ऐसे ऐसे पड़ेगी, इससे भी महंगी हो सकती है. बट गाइस ये मुझे 200 रुपीज़ की मिली है, एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी. चुभ नहीं रहा है बिल्कुल भी ये. पहले मुझे लग रहा था कि ये चुभेगा, बट मैंने पहन के देखी इसको घर में, बिल्कुल भी मुझे ऐसा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है. एंड यस, तो यहाँ से यहाँ थोड़ा अलग डिटेलिंग है इसकी, यहाँ पर ये प्लेन है, विच इज़ रियली रियली गुड, और मुझे ये बहुत प्यारा लगा. मैं इसको अच्छे से स्टाइल करूँगी. यस, क्वालिटी इज़ रियली गुड, मतलब वर्थ द प्राइस है. 200 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलेगा, और ये मिलेगी बहुत है, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे. आई जस्ट लव इट लव इट लव इट. नेक्स्ट आई गॉट दिस, दिस इज़ माई फेवरेट. मैंने ओवर साइज हुडी और स्वेटर बोल सकते हो ये लिया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 200 रुपीज़. एंड
यू सी दी डिटेलिंग, लाइक मेरे को ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, इसको मैं ये इस कैप के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस, मेरे को लग रहा है कि मैं बर्थडे पे ये पहनूंगी ज़रूर। तो बहुत प्यारी है ये, एंड पहनी हुई भी बहुत अच्छी लग रही थी। और सॉरी फॉर दी विंटर लुक बुक, अभी वो लेट हो गया, मैं बर्थडे सीरीज़ के बाद विंटर लुक बुक ज़रूर डालूंगी, तो उसमें आई विल स्टाइल एवरीथिंग, जो मैं पहले वाले हॉल में भी लेके आई थी और जो मैं अभी लेके आई हूँ, एवरीथिंग आई विल स्टाइल। तो गाइस प्लीज़ वेट फॉर इट। तो यस, नेक्स्ट आई गॉट दिस जैकेट, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मज़ा ही आ जाता है इसको पहन के। एंड थोड़ा सा, एंड ये थोड़ी पफी पफी सी लगती है, इसको किसी क्रॉप टॉप के साथ पहन लो, नीचे जीन्स पहन लो या स्कर्ट पहन लो और बूट्स पहन लो, गाइस यू विल लुक हॉट, बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसमें कोई जिप नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल श्रग है, वुलन श्रग है ये। स्लीव्स ये कुछ ऐसी है, स्लीव्स थोड़ी मेरी फ्लेयरी सी स्लीव्स आई है मुझे, एंड ये शॉर्ट जैकेट और श्रग बोल लो, आई जस्ट लव इट। ये मुझे 300 रुपीज़ का मिला था, विच इज़ नाइस, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई जस्ट लव इट। प्लीज़ मुझे बताना कि मैं बर्थडे पे क्या स्टाइल करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगी है एंड आई एम इन लव विद एवरी थिंग विच आई गॉट। तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। तो या एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, करोना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मुझे कोल्ड हो गया है एंड मैंने दवाई वगैरह ले ली है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको बिगड़ी हुई लग रही होगी, बट एक दो दिन तक ठीक हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आई गॉट दिस जीन्स, गाइस 250 रुपीज़ में जीन्स मिल रही थी। ये जो शास्त्री मार्केट है ना 22 सेक्टर की, ये एक तरह से सरोजनी नगर बन चुका है चंडीगढ़ का, तो यहाँ पर आपको 250 में और 200 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी हाई वेस्टेड, लो वेस्टेड, फ्लेयरी जीन्स आराम से मिल जाएगी, बेल बॉटम्स आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। तो ये मैंने स्किनी टाइट जीन्स ली थी, जो कि मेरे हिसाब से मुझे कहीं भी आज तक मेरी स्किनी, एक परफेक्ट जो स्किनी टाइट होती है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिली, बट मेरे को यहाँ से मिली। तो यस, तो इसके नीचे से ये रिप्ड है, विच इज़ रियली रियली नाइस, बहुत ही स्टाइलिश है एंड ये हाई वेस्टेड है एंड कमर से भी मुझे बहुत सही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये। एंड यहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा सा ना रिप्ड रिप्ड सा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हल्का हल्का सा यहाँ रिप्ड रिप्ड सा है, तो आई जस्ट लव इट। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी भी नहीं है बट बहुत बुरी भी नहीं है, 250 रुपीज़ में वर्थ द मनी है, अगर आपको डेली वेयर के लिए चाहिए या चाहिए है बस, तो उसके लिए नाइस। आई गॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स एंड अनदर इज़ दिस, ये एक तो प्लेन थी और एक मुझे रिप्ड में चाहिए थी, तो आई गॉट दिस अनदर पेयर ऑफ जीन्स, ये भी थोड़ी सी स्ट्रेट स्किनी टाइट है एंड हल्का हल्का सा, ये थोड़ा लाइट कलर है, वो थोड़ा डार्क कलर है, बट अच्छी है ये वाली भी, इसके नीचे भी ऐसा कुछ है यहाँ पर एंड यहाँ से ये रिप्ड है, बहुत ही स्टाइलिश है और बिल्कुल मुझे फिट है एकदम, मैं लुक बुक में ऑफकोर्स पहन के दिखाऊँगी आपको ये। तो आखिरी चीज़ जो मैं क्लोथिंग हॉल में दिखाना चाहूँगी वो है दिस हाफ स्वेटर, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये 22 सेक्टर में मिल जाएगा, बट छांटने से ना मिल ही गया, ये 200 रुपीज़ का था एंड मुझे बहुत टाइम से चाहिए था ये, एंड इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये हाफ स्वेटर। एंड मैंने अर्बेनिक से, गाइस मैंने ना अर्बेनिक से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हुई थी, बहुत दिन हो गए थे बट आ ही नहीं रहा था, तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, और उसमें हाफ स्वेटर भी था, वो हाफ स्वेटर मेरे को 500 रुपीज़ का पड़ रहा था, बट आई गॉट दिस फॉर 200 रुपीज़। तो बहुत ही सॉफ्ट साइज का टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ है ये, तो बहुत ही प्यारा लगेगा वाइट शर्ट के साथ, ब्लैक शर्ट के साथ, और इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लॉन्ग शर्ट के साथ आप इसको पहन लो ऊपर, और नीचे बूट्स पहन लो, गाइस यू विल लुक हॉट, सेक्सी, क्यूट, एवरीथिंग। लास्ट थिंग मैं भूल गई हूँ, वो मैंने पहने हुए हैं,
दिखाओ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई गॉट दिस बूट्स, ऐसे दिखाओ। आई गॉट दिस बूट्स फ्रॉम सेक्टर 22। ये बूट्स मैं 500 रुपीज़ में लेके आई हूँ। 550 के थे, भैया ने मेरे को 500 लगा दिए। एंड क्वालिटी इनकी बहुत ख़ास भी नहीं है, बट अच्छे हैं। 500 रुपीज़ में आपको इतना ही मिलेगा एंड कंफर्टेबल है। और हाई हील्स है, हाई बूट्स हैं, मतलब एंकल लेंथ तक, एंकल लेंथ से थोड़े से ऊपर वाले बूट्स हैं ये। तो आई जस्ट लव इट, ये मुझे अच्छे लगे। यस, तो ये सब था मेरा क्लोथिंग हॉल। एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हूँ जो भी मैं लेके आई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यस, तो अब हम आते हैं मेकअप हॉल पे। मेकअप का हॉल मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँगी, बिकॉज उसमें कुछ इतना खास नहीं है। एक दो चीज़ें हैं जो मैं लेना चाहती थी बहुत टाइम से, फिर उसके साथ मैंने एक दो चीज़ें और ऐड कर ली। तो यस, तो लेट्स स्टार्ट दी मेकअप हॉल। तो फर्स्टली आई गॉट दिस शुगर का कॉन्टोर पैलेट। मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था ये, एंड इसी के लिए ही मैंने नायका से शॉपिंग करी है। ये 400 रुपीज़ का है एंड दिस इज़ दी आउटर पैकेजिंग। मैंने इसके बहुत रिव्यू सुने हैं कि इसका कॉन्टोर बहुत अच्छा होता है, मतलब एक पूरा पैलेट भी आता है, हाईलाइटर, ब्लश और कॉन्टोर का पैलेट। बट मेरे पास हाईलाइटर और ब्लश तो था ही, तो मेरे पास कॉन्टोर नहीं था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ कॉन्टोर ऑर्डर करते हैं, मैं यूज़ करके एक बार देखती हूँ। एंड गाइस, क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड, यू कैन सी दैट। ये पूरा छोटू सा पैक है, बहुत ही क्यूट सी इनकी पैकेजिंग है। एंड मेरा शेड है वुडी वंडर 02। तो आई जस्ट लव इट, एंड 400 रुपीज़ का ही था ये, वर्थ द मनी है। बेस्ट कॉन्टोर अभी तक जो यूज़ किया है मैंने। एंड अगर आप अच्छा एक अफोर्डेबल कॉन्टोर देख रहे हो तो गो फॉर इट। और वेट एंड वाइल्ड का भी एक कॉन्टोर होता है, मैं यहाँ पर पिक शो कर दूँगी, आप वो भी ले सकते हो। उसके भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं, उनका भी कॉन्टोर अच्छा होता है। बट अगर आपको ये लेना है तो गाइस, अगर आप सोच रहे हो ये लेने का, गो फॉर इट, दिस इज़ द बेस्ट कॉन्टोर। नेक्स्ट आई गॉट दिस अनदर थिंग विच इज़ लिक्विड कंसीलर स्विस ब्यूटी का, एंड ये मैं पहले भी ले चुकी हूँ। एंड यू नो गाइस, दिस इज़ माई फेवरेट, एंड मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है। मैंने फाउंडेशन ही लगाया है, सिर्फ मैंने ये कंसीलर ही लगाया है। एंड माई शेड इज़ मेरा शेड मैं भूल ही रही, हाँ मेरा शेड है 03 लाइट मेयॉन। एंड दिस इज़ दी आउटर पैकेजिंग। मैंने अपने पहले हॉल्स में भी ये दिखाया हुआ है, और ये मैं सेकेंड टाइम परचेज कर रही हूँ। एंड दिस इज़ दी बॉडी, अच्छी पैकेजिंग है इनकी एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। 200 रुपीज़ का आता है ये, मुझे अच्छा लगता है ये। मतलब थोड़ा सा आपको सर्दियों के टाइम पे ड्राई ड्राई सा लगेगा एक बार लगा के, बट अगर आप इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके या फिर प्राइमर के साथ मिक्स करके लगाओ तो बहुत ही अच्छा इसका एप्लीकेशन है। तो मेरे को अभी ड्राई ड्राई सा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे से अपना फेस मॉइस्चराइज़ किया है। तो ये लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, या फिर इसको मिक्स कर लो मॉइस्चराइज़र के साथ, तो आपको ड्राई ड्राई सा फील नहीं होगा। तो यस, तो यू नो दिस इज़ माई फेवरेट, एंड इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। यस, एंड नेक्स्ट थिंग आई गॉट दिस क्यूट सी प्यारी सी लिपस्टिक फ्रॉम मिस क्लेयर, एंड इसका शेड है 329। मैंने अभी भी ये अप्लाई किया हुआ है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट 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 लिपस्टिक। मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ, यू कैन सी दैट, कितना प्यारा कलर है। मतलब बहुत ही ना, क्या होता है, मैट फिनिश देता है, विद बटरी टाइप का मैट फिनिश देता है। आई जस्ट लव इट, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है लगाने में, बिल्कुल पैची पैची सा नहीं लगता है। तो बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर शो कर दूँगी ये कितने रुपीज़ का था। तो आई थिंक आई गॉट इट इन सेल फॉर 250 रुपीज़ आई गेस, मैं लिख दूँगी यहाँ पर, मैं श्योर नहीं हूँ। बट दिस इज़ दी नाइस लिपस्टिक। अगर आप अफोर्डेबल लिपस्टिक देख रहे हो तो वेट एंड वाइल्ड या फिर मिस क्लेयर की लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हो, और ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स होती हैं उनकी, वर्थ द प्राइस होती है एंड क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट आई गॉट अनदर लिपस्टिक, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था ये, तनुजा ने। दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर। ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड माई शेड इज़ 11। तो ये मैं एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ, टेंट होता है ना, टेंट की तरह मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अभी तक मैंने इसको लिप्स पे अप्लाई नहीं किया है, बट थोड़ा सूखने में ये टाइम लगाती है। बट जब एक बार ये सूख जाती है तो
ऐसा लगता नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, भारी भारी सा फील नहीं होता, ना ही पैची पैची सूखा सूखा सा लगता है, जैसे कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती है आपको थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है, वैसा नहीं लगेगा। तो दिस इज़ दी नाइस लिपस्टिक एंड आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज़ की आती है ये। तो एंड नेक्स्ट आई गॉट दिस मस्कारा फ्रॉम ब्लू हेवन, मस्कारा प्लस आई लाइनर है ये, एंड दिस इज़ दी नाइस मस्कारा, मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है, सस्ता सा है। मेरे को मस्काराज आई डोंट नो, मुझे महंगी लेने में अच्छा नहीं लगता है, मैं कंजूसी दिखाती हूँ थोड़ी, क्योंकि मेरी आई लैशेज ऑलरेडी बहुत लंबी है तो मुझे ज़्यादा हाई कर्ल मस्कारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई गॉट इट फॉर आई डोंट नो कितने रुपीज़ का था ये, मैं भूल रही हूँ, बट आई विल शो द प्राइस, इधर मैं शो कर दूँगी। तो येस, नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्लू कलर का, ब्लू हेवन का आई लाइनर, ब्लू कलर का ब्लू हेवन का आई लाइनर। तो आई गॉट दिस आई लाइनर ऑल्सो ब्लू कलर में, मेरे को चाहिए था बहुत टाइम से, क्योंकि उसके साथ ना मेकअप लुक बहुत प्यारा लगता है ब्लू वाला। तो ये भी बहुत सस्ता 100 कुछ रुपीज़ का होता है ये। तो मैं ब्लैक ऑलरेडी यूज़ करी थी ब्लू हेवन का, बहुत ही प्यारा आई लाइनर है, मतलब इसकी अच्छी शेप आ जाती है एंड बहुत ही आराम से लग जाता है ये आई लाइनर। एंड सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको इधर उधर की नॉइस आ रही हो, बिकॉज मैंने सामने से दरवाज़ा खोला हुआ है एंड नीचे ही लोग रहते हैं, उनको तमीज़ नहीं है, वो बस चुप नहीं रहते हैं, तो इग्नोर इट। आपको एक और बात बताती हूँ, एक दो दिन पहले मुझे शूट करना था एंड ऊपर से मेरी नानी भी है एंड मेरी डॉगी भी है घर में, तो इनके बच्चे जो हमारे नीचे ही रहते हैं, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, लाइक पूरी लड़ी फोड़ रहे थे, दिवाली जा चुकी है, सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं, तब भी उनको पटाखे फोड़ने हैं। उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि पटाखे मत फोड़ो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, और जानवरों के लिए अच्छा नहीं है, एंड बहुत पेशेंट्स भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है पटाखे फोड़ने से। तो मैंने एक दो बार उन बच्चों को भी समझाया, बट वो उसके बाद और बजाने लगे। उनके घर में मैंने फ़ोन भी किया, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं हमारे पास, एंड जो दो बच्चे हैं वो बिगड़े हुए हैं, वो तो बात मानते ही नहीं हैं। तो उनके पेरेंट्स ने कुछ बोला ही नहीं, मम्मियों के हाथ से तो वो बिल्कुल बाहर है, एंड एक उनके रिश्तेदार हैं, पता नहीं कौन है, मेरी सिस्टर को बोलते, मेरी सिस्टर उनको मना करने गई कि प्रॉब्लम हो रही है, मेरी नानी को प्रॉब्लम है एंड डॉगी को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो पटाखे अगर आपको फोड़ना ही है, क्योंकि मानना तो उनको है नहीं, तो कहीं और जाके फोड़ लो, बट दे डोंट वॉन्ट टू लिसन, बोलते कि मैडम बच्चे हैं, पटाखे तो फोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, एंड आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, लाइक सीरियसली, मतलब कहाँ है इनका दिमाग, मतलब पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, अभी वो छोटे छोटे हैं, अगर उनको अभी से ही तमीज़ नहीं सिखाओगे तो बड़े होके तो वो आपके हाथ से बाहर जाने ही वाले हैं, बिकॉज वो लड़के हैं, उनको कुछ कहा नहीं जाता। तो मेरा तो दिल करता है थप्पड़ मारूँ उनके खिंचा के जाके, एंड मेरे घर में अगर वो ऐसे बच्चे होते ना, मैं घर से बाहर निकाल लेती सच में। तो ऐसे लोग मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं, एंड ऐसे लोगों से मैं बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ गाइस, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग ख़त्म हो गई, एंड तो यही सब चीज़ें मैं नायका से मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी, एंड सब कुछ थोड़ा यूज़फुल था, एंड बेसिक चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म हो रही थी वो मैंने मंगाई, मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, एंड 22 सेक्टर से मैंने अपने लिए क्लोथिंग की शॉपिंग करी, मैंने इस बार ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी, स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से मैंने बहुत सारा सामान मंगाया हुआ है, टॉप्स मैंने मंगाए हुए हैं, उसका हॉल जल्दी आएगा, बट जब वो ऑर्डर आएगा, एंड आई थिंक वो मेरे बर्थडे के बाद ही आएगा, तो आई डोंट नो वो कब आएगा, तो जब भी आएगा तो आई विल शेयर दी हॉल, एंड फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से शॉपिंग करूँगी, एंड रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो या, सो दिस इज़ माई वीडियो फॉर टुडे, एंड गाइज प्लीज़ मेरी बर्थडे सीरीज़ को थोड़ा प्यार दो, और जो बाकी वीडियोज़ अभी अपलोड हो चुकी हैं, कुछ अपलोड होने वाली है, उनको प्यार दो। येस, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट, एंड डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब मत कर देना अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट वुड रियली मीन्स अ लॉट, एंड येस इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर हार्ड वर्क। तो मेरा बर्थडे गिफ्ट ही दे दो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, 300 कर दो यार, प्लीज़ यार, ऐसे करते हैं, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो येस, तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।